सिविल सर्जन साहेबगंज डॉक्टर अरविंद कुमार, जिला वीबीडी सलाहकार डॉक्टर सत्य बाबू डबडा, चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर विवेक भारतीय मोहम्मद, आबिद सरकार डीपीओ पिरामल के द्वारा संयुक्त रूप से फलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बोरियो के अंतर्गत स्वास्थ्य उप केंद्र मदन शाही में फलेरिया यानी हाथी पाव एवं हाइड्रोसिल रोगियों का स्क्रीनिंग किया गया। साथ ही हाथी पाव रोगियों को स्टेजिंग कर तीसरा स्टेज से ऊपर वाले सभी रोगियों को विकलांग प्रमाण पत्र बनाने की सलाह दी गई और जिसका विकलांग प्रमाण पत्र बन गया है उनको सिविल सर्जन महोदय के द्वारा विकलांग प्रमाण पत्र दिया गया तथा सभी स्क्रीनिंग किए गए हाइड्रोसील मरीजों को सदर अस्पताल साहेबगंज में मंगलवार और बुधवार को हो रहे ऑपरेशन शिविर में जाकर ऑपरेशन करवाने को कहा गया। साथ ही फलेरिया यानी हाथी पांव जैसे गंभीर बीमारी से बचाव हेतु हाथी पांव रोगियों को रुग्णता प्रबंधन एवं विकलांगता रोकथाम किट दिया गया। सिविल सर्जन महोदय के द्वारा हाथी पांव रोगियों को रुग्णता प्रबंधन एवं विकलांगता रोकथाम किट को कैसे प्रयोग करना है इसकी पूरी जानकारी प्रैक्टिकल करके बताया। साथ ही सिविल सर्जन महोदय के द्वारा स्वास्थ्य उप केंद्र मदन शाही का भी निरीक्षण किए एवं ANM को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए स्वास्थ्य उप केंद्र को साफ सफाई रखने का निर्देश दिए। इस मौके पर मोहम्मद मुसाहिद अख्तर FLA, मनोहर पंडित MTS, शैलेंद्र कुमार SDC, दिनेश कुमार SDC, पूजा कुमारी ANM, शारदा कुमारी ANM, विनोद कुमार सिंह MPW, मोहम्मद जहांगीर दौला MPW, शशि शेखर शर्मा MPW, सहिया साथी सहिया आदि स्वास्थ्य कर्मी मौजूद थे।